हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैटफॉर्म्स में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फ्लैटफॉर्म्स की तीन क्लासेस होती हैं, टर्बलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा। टर्बलेरिया के एग्जांपल हैं प्लेनेरिया, जिसको हम डुगेसिया भी बोलते हैं। ये फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म्स होते हैं। ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा ये दोनों पैरासिटिक होते हैं। आइए हम इन तीनों क्लासेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। टर्बलेरिया में मेनली प्लेनेरिया होता है। प्लेनेरिया हमें फ्रेश वाटर में या फिर झरनों में पाया जाता है। ये फ्री लिविंग है, नॉन पैरासिटिक होता है। इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर इसकी बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो ये अपने आप ही उस पार्ट को बना लेता है। कई बार एक छोटे सा बॉडी पार्ट होता है, उससे भी अपनी पूरी बॉडी को जनरेट कर लेता है। प्लेनेरिया, ये फिगर है प्लेनेरिया का। इसमें पेयर ऑफ आईज है, ये सीलिया प्रेजेंट है, इसका डॉर्सल व्यू दिखाया गया है। ट्रेमेटोडा ये पैरासिटिक फॉर्म है, ये पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म्स है मेनली। सिस्टोसोमास जो होता है, इसको हम ब्लड फ्लूक भी कहते हैं। इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है या फिर सेकेंडरी होस्ट, वो स्नेल होता है और प्राइमरी होस्ट ह्यूमन ब्लड होता है। जो सिस्टोसोमा से होने वाली डिजीज है उसको हम सिस्टोसोमियासिस भी बोलते हैं या फिर स्नेल फीवर बोलते हैं। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप इन ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है या फिर मेल ऑर्गेनिज्म है। लाइफ साइकिल ऑफ ब्लड फ्लूक देखते हैं। जो सिस्टोसोमास होता है, सिस्टोसोमा ये एग्स को अपने यूरिन या फिर अपने फीसिस के थ्रू रिलीज करते हैं। अब ये एग जो हैं, जब ये इनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं तो ऑप्टिमल कंडीशन में हैच होना शुरू होते हैं। जब ये एग हैच हो जाते हैं तो उसके बाद ये एक लार्वा बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीरासीडिया। ये जो लार्वा है, ये वाटर के अंदर स्विम करता है और एक स्नेल बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अब ये स्नेल जो है, ये इसका सेकेंडरी होस्ट बन जाता है। अब इस स्नेल के अंदर जो है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है। इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ये मेरिसीडिया जो है वो करकेरिया में प्रोड्यूस करने लगता है। ये करकेरिया वाटर स्नेल बॉडी से बाहर आ जाता है। अब स्नेल बॉडी जो होती है, स्नेल जो होता है, इस करकेरिया को अपनी बॉडी से रिलीज कर देता है और वाटर में छोड़ देता है। जब कोई ह्यूमन बींग या कोई मैमल इस कंटेमिनेटेड वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये लार्वा जो है उस ह्यूमन बॉडी के स्किन के थ्रू अंदर एंटर कर जाता है। ये जो डिजीज है सिस्टोसोमियासिस, ये मेनली फिशरमैन और फार्मर्स में ज़्यादातर पाई गई है। सिस्टोसोमियास मेनली यूरिनरी ट्रैक्ट को या फिर इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स हैं एब्डोमिनल पेन, डायरिया या फिर इसमें स्टूल या यूरिन के साथ ब्लड भी आने लगता है। अगर केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उस केस में लीवर डैमेज भी हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, ब्लेडर कैंसर भी हो सकता है और इनफर्टिलिटी भी। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली जो फ्रेश वाटर स्नेल्स होते हैं उनके थ्रू होता है, जिस वाटर में स्नेल्स, इन्फेक्टेड स्नेल्स पाई जाती हैं। प्रिवेंशन के लिए इसमें क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, इसको फेसियोला हिपेटिका बोलते हैं। ये मेनली इसका प्राइमरी होस्ट कैटल्स होते हैं, जैसे कि शीप, गोट होता है। और ये मेनली जो लीवर होते हैं कैटल्स के, शीप, गोट ऐसे मैमल्स के लीवर को इन्फेक्ट करते हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब विदाउट ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। इनका स्ट्रक्चर लीफ की तरह होता है और ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ये मेनली ब्लड पे फीड करते हैं। ये लीवर फ्लूक का डायग्राम है। जो लीवर फ्लूक होता है, यहाँ ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे ऑरल सकर होते हैं और ये माउथ प्रेजेंट है। यहाँ पे ये वेंट्रल सकर दिया गया है और एक एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए। जो सकर होते हैं उसकी हेल्प से ये अपने होस्ट का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। लीवर फ्लूक लार्जेस्ट फ्लूक में माना जाता है, जिसकी लेंथ 30 mm है और इसकी विथ जो है वो 13 mm है। लीवर फ्लूक की आउटर सरफेस को टेग्यूमेंट कहते हैं। ये टेग्यूमेंट जो होता है, इसमें एक स्पेशल काइंड का
प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम स्क्लेरोप्रोटीन बोलते हैं। ये स्क्लेरोप्रोटीन लीवर फ्लूक को अपने होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाता है। लीवर फ्लूक से होने वाली डिजीज को फैसिलियोसिस बोलते हैं। ये मेनली प्लांट और फूड बॉर्न डिजीज है। इसके सिम्टम्स में ये है कि इसमें मस्कुलर पेन होने लगता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, लीवर एनलार्ज हो जाता है और बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती हैं। सिस्टोड, ये हमारा थर्ड फाइलम है, सॉरी थर्ड क्लास है। इसका एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, जिसको हम टी सोलियम भी कहते हैं, और पॉर्क टेपवर्म। जो टीनिया सोलियम है इससे होने वाली डिजीज को टीनियासिस बोलते हैं। ये मेनली पॉर्क की वजह से होती है। जब कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल इन्फेक्टेड पॉर्क को खाता है उसको ये डिजीज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। पॉर्क मतलब पिग मीट। इसका प्राइमरी होस्ट है टीनिया सोलियम का ह्यूमन बीइंग्स और सेकेंडरी होस्ट है पिग। टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर एक रिबन की तरह होता है, ये बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। इसमें एलिमेंट्री कैनल एब्सेंट होती है। एलिमेंट्री कैनल एब्सेंट है, इसका मतलब है इसमें माउथ और एनस एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं जिसकी वजह से इनमें एग्स जो है वो ज्यादा बनते हैं। ये टीनिया सोलियम का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर इसमें स्कॉलेक्स दिखाया गया है। स्कॉलेक्स को हम हेड मानते हैं इसका, और यहाँ ये छोटे छोटे जो ये छोटा सा सेगमेंट्स बने हुए इनको बोलते हैं नेक। ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए हैं पूरी बॉडी पे, एक रिबन की तरह ये बॉडी है, इसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। पहले जो शुरुआत में जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, और फिर बाद में जो लास्ट के जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। इस जो प्रोग्लोटिड्स वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिला। ये जो सेगमेंट है प्रोग्लोटिड्स के, ये हमें एक्सटर्नली दिख रहे हैं। इसमें जो सेगमेंटेशन है सिर्फ एक्सटर्नली है, इंटरनली कोई भी सेगमेंटेशन नहीं है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिज, क्योंकि जो सेगमेंटेशन है वो सिर्फ एक्सटर्नली है, इंटरनली नहीं है। ये स्कोलेक्स का व्यू दिखाया गया है। स्कोलेक्स में आप ये देखिए ऊपर का जो एरिया इसको हम बोलते हैं रोस्टेलम। फिर यहाँ पे दो कर्व दिखाए गए हैं हॉरिजॉन्टल, जिसमें हुक्स प्रेजेंट है। हुक्स जो है 22 से 23 हो सकते हैं। इसमें यहाँ पे फोर सकर्स हैं। ये फोर सकर्स और जो हुक्स हैं ये ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट माने जाते हैं, जिसकी हेल्प से ये अपने होस्ट में अटैच हो जाते हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, कॉलेक्स, नेक, स्ट्रोबिला। सकर्स एंड हुक्स आर ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट। इनमें जो डिजीज जो टीनिया सोलियम से होती है उसको बोलते हैं टीनियासिस। इसके सिम्टम्स हैं एब्डोमिनल पेन, एनीमिया एंड इंडाइजेशन। हमारा जो क्लास थर्ड है सिस्टोड, इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल है सिस्ट्रिकर्कस। सिस्ट्रिकर्कस ये मेनली क्या है, जो हमारा टीनिया सोलियम है उसका जो एग है उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रिकर्कस। एग या फिर जो लार्वा होता है टीनिया सोलियम का उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रिकर्कस। इससे जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं सिस्ट्रिकर्कोसिस। सिस्ट्रिकर्कोसिस जो होती है वो टीनियासिस से ज़्यादा डेंजरस होती है। सिस्ट्रिकर्कस इज द लार्वा ऑफ और एग्स ऑफ द पैरासाइट पॉर्क टेपवर्म। जब ये लार्वा किसी भी बॉडी के अंदर चला जाता है, किसी भी ह्यूमन्स बॉडी के अंदर चला गया, तो वहाँ जाके एक टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाता है और उस टिश्यू के अंदर ये सिस्ट बनाने शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस डिजीज को बोलते हैं सिस्ट्रिकर्कोसिस। अगर ये सिस्ट ब्रेन में बनता है या स्पाइनल कॉर्ड में बनता है तो हम इसको बोलते हैं न्यूरोसिस्ट्रिकर्कोसिस। ये जो सिस्ट अगर आईज में बन जाता है तो रेटिना को खराब कर देता है, जिससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली है कंटामिनेटेड फूड, वाटर या गंदे हाथों से भी हो सकता है। अनहाइजेनिक कंडीशन में ये हो सकता है। सिस्टोड का थर्ड एग्जांपल है टीनिया सेग्निटा। इसको हम बीफ टेपवर्म बोलते हैं। ये मेनली जो अनकुक्ड या फिर जो
अदबका या फिर जो इन्फेक्टेड बीफ को खाते हैं उनको ये बीमारी होती है। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है। इसका सेकेंडरी होस्ट कैटल्स या बफेलोज होते हैं। अगर इन कैटल्स या बफेलो के अंदर ये टीनियस सेगिनीटा फ्लैटवर्म प्रेजेंट होता है और अगर कोई ह्यूमन बीइंग ऐसे कैटल्स को खा लेता है तो उनको अंदर उनको भी ये बीमारी, ये पैरासाइट पहुंच जाता है। इकेनोकोकस ग्रैनुलोसस, इसको हम डॉग टेपवर्म बोलते हैं क्योंकि ये मेनली जो डॉग है उसके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। डॉग, कैट, गॉड, शीप, ये सब पेट हैं जिनके अंदर ये पैरासाइट, ये फ्लैटवर्म पाया जाता है। ह्यूमंस के अंदर ये पैरासाइट जाने का सबसे मेन कारण यही होता है जब कोई ह्यूमंस ऐसे जानवरों के साथ प्ले करता है जो ऐसे पैरासाइट के साथ इन्फेक्टेड हैं। थैंक यू।